अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हनान और आपको वेलकम कहता हूं एक बार फिर हनटेक पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो यार 2022 में कई ऐसे स्मार्टफोन लॉन्च हुए जो कि काफी ज्यादा महंगे स्मार्टफोन थे। लोगों ने कहा ये बहुत ज्यादा ओवर प्राइस है, ये कंपनी बहुत ज्यादा महंगे बेच रही है। लेकिन बेसिकली वो कंपनी की गलती नहीं थी, क्योंकि पीटीए ने टैक्सेस इतने ज्यादा बढ़ा दिए थे, हमारी गवर्नमेंट ने इतने ज्यादा टैक्सेस लगा दिए थे, जिसकी वजह से एक कंपनी को मोबाइल फोन महंगा करने के अलावा कोई और उनके पास हल नहीं था। हालांकि पाकिस्तान में एक टाइम पर इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया था मिड रेंज में कि आपको 20 से 30 हजार की रेंज में काफी ज्यादा अच्छे गेमिंग स्मार्टफोन देखने को मिल जाते थे। लेकिन अगर आप अब की बात करें तो आपको 20 से 30 हजार की रेंज में एक लो बजट स्मार्टफोन देखने को मिलता है, जिसके अगर आप गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो वो काफी लो देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसे स्मार्टफोन की बात करने वाले हैं जो कि 2022 का स्मार्टफोन नहीं है लेकिन 2021 का स्मार्टफोन है, और 2021 में ये स्मार्टफोन उस टाइम पर वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन हुआ करता था। तो अगर आप उस स्मार्टफोन को आज के मोबाइल फोन से कंपेयर करें तो आज के मोबाइल फोन से ये मच बेटर है, और आपके उसके अंदर क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा फेमस मोबाइल है और पॉसिबल है ये दोबारा आपको इस रेंज में इस तरह का मोबाइल देखने को ना मिले, क्योंकि ये जो कंपनी है ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, ये पाकिस्तान में इंपोर्ट करती है, और इंपोर्ट पे आप सभी जानते हैं टैक्सेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि शायद पॉसिबल है ये स्मार्टफोन अब आपको दोबारा इतना सस्ता ये इतनी कम रेंज में देखने को ना मिले। इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी या कंटेंट पसंद आ रहा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, क्योंकि काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है न्यू क्रिएटर है। तो ज्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करूंगा, मैं आपको बताता चलूं जिस स्मार्टफोन की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है Xiaomi Redmi Note 10 Pro। अगर आप नोट सीरीज से वाकिफ हैं Redmi की तो आपको पता होगा कि नोट सीरीज नोट 9S नोट 9S प्रो ये उस टाइम की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज हुआ करती थी, जिस टाइम पे Redmi के स्मार्टफोन इस रेंज में आपको 30 से 50 हजार की रेंज में स्मार्टफोन देखने को मिलते थे। मैं बहुत कम लोग हैं जो कोई गेमिंग के लिए कोई और स्मार्टफोन बाय करते थे, नहीं तो जितने भी गेमर्स थे वो सारे Redmi के ही स्मार्टफोन को बाय करना प्रेफर करते थे किसी और कंपनी के स्मार्टफोन से। और अगर इस स्मार्टफोन की बात करूं Redmi Note 10 Pro की तो ये किस तरह आज के जितने भी 2022 में जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं उनसे कैसे बेटर है, आज की वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ। अगर आप भी कोई स्मार्टफोन लेना चाह रहे हैं, अगर आपकी रेंज 50,000 है और आपको समझ नहीं आ रही आप कौन सा स्मार्टफोन बाय करें, तो आप इस स्मार्टफोन को जरूर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि इस स्मार्टफोन में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि इस स्मार्टफोन को अभी भी काफी ज्यादा स्पेशल बना देते हैं। इनमें से कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करूं तो इसके अंदर आपको 732G 5G चिपसेट देखने को मिलता है, 8 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी चिपसेट है और काफी अच्छी आपको गेमिंग परफॉर्मेंस दे देगा। इसके अलावा 6.67 इंचेस का आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 1080p की रेजोल्यूशन है और एक पंच होल डिस्प्ले है, और जो सबसे मजे की चीज जो कि आपको इस रेंज के स्मार्टफोन में कम देखने को मिलती है वो है इसका 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले। तो ये आपको काफी कम देखने को मिलता है और काफी एक ब्राइट डिस्प्ले है, डिस्प्ले की क्वालिटी इसकी काफी बेटर है। अगर आप सीजन देखने के शौकीन है तो आपको इसका डिस्प्ले काफी ज्यादा इंप्रेस करेगा। अगर आप इसके कैमरास की बात करें तो क्वाड कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा स्मार्टफोन में, जिसके अंदर जो मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा आपको, जिसके साथ आप 4K तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps तक की, लेकिन इसके अंदर आपको OIS या EIS तक की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं की गई फिलहाल। इसके अलावा इसके अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 ही मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है। अगर आप फ्रंट की बात करें तो फ्रंट पे आपको 16 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी शूटर देखने को मिलता है, जिसके साथ आप 1080p तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा स्मार्टफोन में आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर जो बेस वेरिएंट है वो आपको 6GB 128GB जबकि जो हायर वेरिएंट है वो आपको 8GB 128GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलता है। 5020mAh की बैटरी है, लेकिन मजे की चीज वो ये कि इसके अंदर आपको 33W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, तो आपका स्मार्टफोन काफी क्विक चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा टाइप सी वाली चार्जिंग है, हेडफोन जैक इस स्मार्टफोन में अवेलेबल है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया हुआ है, फ्रंट कैमरा में आपको फेस आईडी की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो ऑल इन ऑल अगर आप इस स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो काफी कमाल फीचर्स हैं, आपको काफी अच्छे फीचर्स इस स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप इस स्मार्टफोन की बॉडी की बात करें, फ्रंट और बैक दोनों ही आपको ग्लास देखने को मिलते हैं, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है, तो काफी एक कमाल स्मार्टफोन है और काफी अच्छे फीचर्स के साथ ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कोई स्मार्टफोन बाय करना चाह रहे हैं 2022 में तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं Redmi Note 10 Pro को अपना F21 Pro के साथ, जो कि ओप्पो की तरफ से आपको देखने को मिलता है, काफी ज्यादा सिमिलर इनकी दोनों के स्पेक्स भी काफी ज्यादा सिमिलर है, और जो थोड़ा सा प्राइस का फर्क है तकरीबन 5,000-6,000 महंगा है वो, क्योंकि इस टाइम पे F21 Pro का स्टॉक हर जगह पे खत्म हुआ है, पॉसिबल है वो आपको थोड़ा सा महंगा देखने को मिले, लेकिन ऑल इन ऑल दोनों में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है, तो आप इन दोनों स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। आप लोग भी मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा अगर आपको दोनों में से कोई एक स्मार्टफोन बाय करना पड़े तो आप इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा प्रेफर करेंगे। इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी या कॉन्टेंट पसंद आ रहा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, क्योंकि काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है न्यू क्रिएटर है। तो आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। इसके अलावा आज की वीडियो में इतना ही था, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।